आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर के नागल में शनिवार को किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत का आयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किया गया, जहां पर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उनको वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद उन्होंने पंचायत के समापन पर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को भी सौंपा। किलो को भी ढा देगा जो उनसे में तार टूट से ना, उन्हें भी हम ढा देंगे, पर हम सरकार के खिलाफ वो नहीं, हम कानून के खिलाफ हैं। और भाई ये कानून वापस ले लेगी तो ठीक, अन्य तो राड करेंगे तो राड तभी करने, तो हम लोग पीछे नहीं हटने के। हम सीधे साधे किसान हैं जरूर, पर ताकतवर है, वोटों के मामले में भी ताकतवर है, और भाई बाहुबल के मामले में भी हम संविधान को हटा देंगे। भारतीय किसान यूनियन के चक्का जाम कार्यक्रम में बदलाव होने के बाद देवबंद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने देवबंद मंगलोर मार्ग पर पुलिस चौकी के निकट एक बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। दिल्ली में जो धरना चल रहा, किसान की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। जब से सरकार आई, किसान की कमर टूट गई, कमर इसलिए टूट गई कि धान जो अब का था, जो 1868 रुपए रेट था, वो 1200 1100 1300 के ऊपर किसी का धान नहीं बिका, किसी को भी MSP का रेट नहीं मिला। तो हमने सरकार को ध्यान दिला कि आप MSP पर गारंटी कानून बना दो, जो इससे कम खरीदे उसे दंड या जेल का प्रावधान इसमें रखा जाए। हम 74-75 दिन हो गया धरना देने, उसके उपलक्ष्य में आज जो राष्ट्रीय आह्वान पर पीछे यूपी उत्तराखंड में भी चक्का जाम तो पर इसलिए करते हैं कि गन्ना किसानों को ज़्यादा दिक्कत होगी, फैक्ट्री और गन्ने की बंद होगी, किसानों की समस्या को देखते हुए सब जगह राष्ट्रीय ज्ञापन दिया जाएगा, पंचायत होगी और ज्ञापन दिया। अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन द्वारा देवबंद नगर के मानकी मंदिर के निकट भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने पंचायत में भाग लिया। इस दौरान पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली में 2 महीने से ज़्यादा हो गया है किसानों का धरना चल रहा है और कई किसान शहीद भी हो चुके हैं, पर सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया है कि अब किसान इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि सरकार को चलना और काम करना मुश्किल हो जाएगा। महापंचायत जो किसानों का धरना 2 महीने से ज़्यादा से दिल्ली में चल रहा है और सैकड़ों लोग वहाँ शहीद हो गए, 3 जो काले कानून सरकार के द्वारा पास कर दिए, अध्यादेश ला के इस तरह कर दिए जैसे कुछ चोर कर देता है, उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है किसान मजदूर इकट्ठे होकर, लेकिन सरकार अब तक उसमें झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के बैनर के तले किसान क्रांति जन जागरण अभियान चला के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा आंदोलन देश में अब शुरू होने जा रहा है, हर गांव में हर सड़क पे पूरा किसान और पूरा मजदूर इकट्ठा होकर सरकार के सामने उनको चलना भारी कर देगा, उनको काम करना भारी कर देगा, शांति प्रिय ढंग से ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास कायम होगा। तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द निरस्त कराने, MSP पर कानून बनाए जाएं और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान परिवारों को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर शनिवार को उत्तर प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन SDM को सौंपा। आज का प्रदर्शन सिर्फ मोर्चे की तरफ से है, पूरे देश में यूपी और उत्तराखंड को देश छोड़ के बाकी पूरे देश में आज चक्का जाम है 12 से 3 तक, और यूपी उत्तराखंड को जिले छोड़ दिया गया कि गन्ने का सीजन है, यूपी उत्तराखंड को छोड़ दिया गया है, और इसी के तहत आज हम भी
यूपी में जो है हर जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया जा रहा है। किसान किसानों की तरफ से, किसान सभा की तरफ से भी यहाँ डीएम साहब ज्ञापन दिया है काले कानूनों को वापस लेने के लिए और एमएसपी पर कानून बने। ये किसानों की चार तीन मांग है जरूरी, जिनको सरकार नज़रअंदाज कर रही है लगातार। तिकड़मबाजी के अलावा सरकार काम नहीं कर रही। हमारी मांग है कि सरकार तिकड़मबाजी छोड़ कर किसानों से बात करे और इनकी समस्या का समाधान करे। बेहट रोड स्थित बालाजी धाम के 13वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण के दूसरे दिन प्रभात फेरी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। प्रभात फेरी का शुभारंभ चंद्रनगर से अतुल जोशी जी महाराज के सानिध्य में किया गया, जिसके बाद प्रभात फेरी नवीन नगर मक्खन कॉलोनी होते हुए अर्जुन नगर में नवीन वालिया के निवास पर आकर विश्राम हुई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी में भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर शनिवार को भाजपा महानगर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य वक्ता भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद कांता कर्दम व मेयर संजीव वालिया द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद बैठक को मुख्य वक्ता कांता कर्दम द्वारा संबोधित किया गया। बैठक के समापन पर नगर अध्यक्ष राकेश जैन ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। और मुझे बहुत खुशी भी हुई जब मैंने पढ़ा और मोदी जी ने रात में 11-12 बजे के करीब 11:30 बजे के करीब उन्होंने सूचना दी कि आपको जो है महानगर सहारनपुर का प्रभारी बनाया गया। तो मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ वैसे तो बहुत लंबे समय से आना जाना रहा, लेकिन जब मैं प्रभारी थी तो यहाँ बहुत नीचे तक भी सभी के बीच में जाना हुआ, सभी से मिलना हुआ, सभी की कार्य जो शैली है सबसे परिचित भी, और सभी लोग बहुत मेहनती भी हैं और मेहनत करने वाले भी हैं। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।